कहते हैं कि जनता का जब गुस्सा फूटता है तो सब तबाह कर देता है। कई सरकारें आईं और कई गईं, कई नेता वादा करके चले गए, मगर गुनोर जनपद पंचायत की सरहजा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले उड़की गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे भी बुंदेलखंड का पन्ना जिला अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। देश आजाद हो गया पर उड़की गाँव के लोग आज भी कुएं के मेंढक की तरह हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि वर्षों से नेता चुनाव के समय गांव में वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव होते ही उन्हें भूल जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज़ादी के बाद से यही चला आ रहा है, लेकिन गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। गांव की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, खेतों के बीच से होकर उन्हें निकलना पड़ता है, जिस कारण से ग्रामीणों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने घर के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लिखकर टांग दी हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चौराहे पर जूतों की माला बनाकर टांगी है ताकि कोई भी नेता वोट मांगने आएगा तो ये जूतों की माला ग्रामीण उन्हें पहनाएंगे। 50 साल आए हो ये रोड के, रोड न दिया जाए सुन लगने खाने भैया आई दी 10 बार थी बनाई थी रोड, बना सी वोट डाले, सी वोट हाव के तो डाल के दो दर्द के दाल के वोट डालेंगे। अब वोट नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, यह सुन दुख निकलने को गाँव से नहीं जाने, और दंगे से जूता देने हो, माला टंगे जो हो, तारे चप्पल देने जा होने जो घर कुछ हो भाई सो है तो सुधो ऐसा ही कहा ना, हमारे घर की कर आई ना भाई सुधो चप्पल पाई है क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? दुख है हमें ओला धमाटे ने तो ना बिया बिटिया बैठी जान 30 साल की हुई आई है देख के कहा लौट जा। गाँव में लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बैठी है बिटिया तो बैठी है, लौट लौट दिख जा जा ऐसा गाँव में ब्याह नहीं करने हमारे तो बहुत परेशान रोड के पीछे आज के साल से हो गए। क्या नाम है आपका? कुसुम। और ना बेटा इतने घर मने के पक्का बन गए, इतने कुछ के विकास नहीं है, चाहे मारो धारो हो और रोड नहीं है बेटा, मारे धारे हो खटोली में टांग के ले जाते अस्पताल। कितने साल से स्थिति है ऐसी गांव की? जब से हम उड़की में देहरी लात मारो है जब से है और आगे से आजादी के पहले से है। हाँ। देखिये अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया और आपने ये समस्या मेरे सामने रखी, मैं सबसे पहले अपने अधिकारियों को वहाँ पर निर्देश कर दिया है, वो जाकर वो मौके पे देखेंगे और गांव वाले समस्या समझेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर कल गांव वाले से बात करूँगा और उनकी समस्याओं को निराकरण का हम संभव प्रयास करेंगे ताकि उन्होंने जो प्रण किया है चुनाव पर बहिष्कार कर लिया वो इसके ना बढ़ पाए, ये हम पर्सनली अपने लेवल पर देखेंगे। आज हम अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं जाते कल तक हम लोग रिपोर्ट थे क्या स्थिति है। सर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आजादी के बाद से मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली हैं जिस कारण से उनको ऐसा करना पड़ा। देखिए ये तो जब तक हम मौके में नहीं जाएंगे इसको आदमी करना भी मुश्किल है। सबसे पहले वो अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं वहाँ पर और किस कारण से अभी तक वहाँ रोड सेंक्शन नहीं हुई है, अगर रोड सेंक्शन हो गई है तो किस कारण से नहीं बना है, इसके एक बार हम समीक्षा करवा लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। सर ग्रामीणों को क्या जागृत किया जाएगा कि वो अपने मत का प्रयोग करें? नहीं देखिए जागरूक करना तो प्रशासन का काम ही है, हम उनको बताएंगे कि समस्या जो है उसका हम निराकरण का प्रयास ही करेंगे और उनको बोलेंगे भी चुनाव जैसे मताधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्रचार प्रतियोगिता उनको बचाए रखने के लिए उसका कम से कम उसका प्रयोग वो करें। थैंक यू।